तो हेलो एवरीवन। सो बहुत मतलब बहुत नहीं, 19 वीडियो के बाद ही एक छोटा सा इंटरव्यू कर रहा हूँ कि आप सब ने जो मुझसे कहा था, मुझे मतलब जो कि छोटा छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, वो सब सबके लिए उससे वही उससे लिंक थी। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको आंसर दे सकूँ और कुछ मैं आपका जो डाउट्स है वो भी क्लियर कर सकता हूँ। तो पहले तो आप सभी पूछेंगे कि आप कौन से स्क्रीन रिकॉर्ड और या ये जो एनिमेटेड वीडियोस का ऐप यूज़ करते हैं। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो है ही, मैं डाउनलोड नहीं करता हूँ वीडियो, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं पीसी में करता हूँ, और वो पीसी में ही मैं रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ। वैसे जो पीसी का ऐप है ना, वो आपको डाउनलोड में नहीं, आपको मतलब डाउनलोड मिल सकता है पर उसका साइज़ है 251 MB। उसके साइज़ में से अगर 251 MB का अगर नहीं कर सकते तो आप ख़रीद भी सकते हैं क्रेडिट में। वैसे तो ये बहुत अच्छा है, मतलब ये एकदम अच्छा ऐप है, आप बेसिक्स को इसमें समझ सकते हैं और कितने मतलब बहुत ही। मैंने जब भी ये जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया, मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, मैंने ख़रीद लिया है उसको, क्योंकि मतलब वैसे ही NCERT है और आजकल तो NCERT चलता है और वो 250 मतलब वो मिलता है 4000 या 5000, मुझे पता नहीं। मतलब मैंने एक साल पूर्व में मतलब एक साल पहले ख़रीद लिया था उसको, और ऐसा ही है मतलब। और तो आप जो विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8 जो भी होगा, पर ये विंडोज़ XP या तो विंडोज़ 7 को परफेक्टली सूट नहीं हो सकता, आई थिंक ये हैंग हो सकता है। इसलिए आपके पास अगर विंडोज़ 8 और 10 है तो ही आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद उसको लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कुछ हो सकता है। अगर आपको चाहिए कि ये कैसे फ्री में इंस्टॉल या डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं एक वीडियो इस पर बना सकता हूँ, पर आपको मुझे कमेंट करना होगा। कमेंट कीजिए आप वीडियो में, मतलब इसी के कमेंट बॉक्स में। और तो आप और एक और क्वेश्चन है कि आप फेस रिवील और अपना वॉइस क्यों नहीं करते, मतलब वैसा ही है, मतलब वो कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग करते हुए ना बहुत मतलब माइक्रोफोन या इंटरनल ऑडियो इतना सब कुछ लगता है, पर उससे ना सपोर्टेबल नहीं है। बट ट्राई करता हूँ कभी कभी ऐसा ऑडियो के साथ मैं अपना माइक्रोफोन भी इस्तेमाल करूँगा, वो भी जल्दी आपको दिखाने मिल सकता है। और किसी ने पूछा है कि आप वैल्यू एजुकेशन का Part 3 क्यों छोड़ दिए, ये भी सही है, मतलब Part 3 नहीं, Part 4 से मैंने नहीं किया, क्योंकि वो ना मुझे थोड़ा सा इतना अटपटा सा लगा कि NCERT है, अगर नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ NCERT है और ये एक और कहाँ से आ गया, और किसी के पास इतना ऐसा बुक नहीं होगा ना, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाना बंद कर दिया। और आजकल तो सभी NCERT चलता है, इसीलिए मैं ये सब मतलब इस सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर ऐसा बनाने लगा, पर वो भी अच्छा ही था। वैसे मुझे पता नहीं था वो क्या हो रहा है वो, इसलिए मैंने ना उसे पूरा का पूरा हकदार समझ लिया कि ये मैं नहीं कर सकता और मैं नहीं भी करना चाहता हूँ।
तो मैंने ये एनसीईआरटी का सभी चैप्टर अपलोड करना चाहा, और आपका बहुत कंप्लेन आता है कि आप क्यों एक महीने बाद या एक वीक बाद ऐसा भेजते हैं। आपने तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि एक वीक के बाद, मतलब अंडर एक वीक में आप अपलोड करेंगे, पर क्या है कि एडिट और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ही चला जाता है, मतलब बहुत टाइम लगता है ये सब एडिट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने में। कैप्शन को भी ऐड करना होता है इसलिए, तो ये सब है। और इतना भी नहीं होता, मतलब इतना जल्दी नहीं भेज सकता। और अगर चाहूँ तो एक, मतलब एक वीक, एवरी वीक मैं भेज सकता हूँ आई थिंक। और एक और भी है पॉइंट कि जब मतलब वो जो जनवरी के मंथ था, वहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए थे। उस टाइम क्या है कि मतलब एक वीक के बाद, या मतलब उस टाइम तो स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए थे, लेकिन क्या है कि मेरा पीसी ख़राब हो गया, वो क्या वायरस घुस गया था, इसीलिए मैं रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाया। पर मैं ट्राई करूँगा एक वीक के अंदर एक वीडियो जैसे भी पोस्ट मतलब अपलोड करूँगा। और एक और मेन इम्पोर्टेंट बात और लास्ट टॉपिक है, आप जो भी कमेंट करते हैं वो सोच समझ के नहीं करते हैं। एक का नाम है सारा सुदर्शन, वो ना एकदम ख़राब से भी ख़राब कमेंट करता है। मतलब ये बच्चों का चैनल है और आप ऐसे टाइम में ऐसा कमेंट करते हैं, इसीलिए ये सब इस चैनल में अलाउड नहीं है। अगर आपको ये भी वीडियो अच्छा लगता है तो इसे भी लाइक कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा है। मतलब काला कौवा और वो साला सुदर्शन नाम के हैं दोनों, वो 5 दिन से ऐसा, सो ऐसा कभी मत करना कि ये कमेंट ऐसा भेजा जाए। तो ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।